अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज ईद का तीसरा दिन है। एक बार फिर आप तमाम सुनने और देखने वालों को ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बलिया टाउन के एक छोटा सा पार्क है, यहाँ आया हूँ। बच्चा पार्टी अपने साथ लेकर आया हूँ। इसमें मेरे बच्चे, मेरे भतीजे, भांजे। तो इस पार्क में मेरे व्लॉग बनाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन मजबूरन मुझे बनाना पड़ा। ये पार्क जो है फैमिली के नाम से बना, ये फैमिली पार्क है। इससे पहले भी मैंने आने की कोशिश की, लेकिन मैं अकेला था। उस दौरान इंतज़ामिया ने मुझे पार्क के अंदर आने नहीं दिया कि आपके साथ फैमिली नहीं है। तो ये पार्क फैमिली के नाम पे बना है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ पर इस वक्त 50% फैमिली वाले लोग नहीं है। सारे जो मेरी तरह, जो मेरी उम्र लड़के या मुझसे बड़े या कम छोटी उम्र के लड़के सारे आए हुए हैं। इस वक्त ये पार्क भरा हुआ है इनसे। यहाँ का माहौल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये इसीलिए आपसे मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ का माहौल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये फैमिली पार्क है, यहाँ सिर्फ फैमिलीज को आना चाहिए, लेकिन फैमिलीज तो बहुत कम हमें नज़र आ रही है माशाल्लाह। बाकी रश बहुत ज़्यादा है इस पार्क में, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेकिन फैमिलीज बहुत कम आई हुई है यहाँ पर। फैमिलीज के साथ जो एक फैमिली है उसका हिसाब किताब जो है यहाँ पर बहुत कम नज़र आ रहा है मुझे। ये चीज़, ये फैक्ट थी, एक सोचा कि आपके साथ एक व्लॉग बना के शेयर करूँ। ये चीज़ गलत है। बाकी मैं अभी जाते वक्त इंशाल्लाह इंतज़ामिया से भी बात करूँगी कि भाई ये क्या मसला है, ये तो फैमिली पार्क है, यहाँ पर फैमिली के अलावा इतने सारे लोग आए हुए हैं कि पूरा माहौल ही बिगाड़ दिया है। यकीन कर, वो मनाजिर तो मैं आपको दिखाई नहीं सकता, ना कुछ कह सकता हूँ आपके साथ, ना कुछ कह सकता हूँ, लेकिन यहाँ का माहौल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि टोटल फैमिली नहीं है, फैमिली से यहाँ नहीं है। बाकी आप समझदार हैं, तो सोचा कि आपके साथ ये बात है, एक फैक्ट से आपके साथ शेयर करूँ। और ये इंतज़ामिया के कारण तक ये बात मैं खुद पहुँचाऊँगा जाते वक्त कि भाई ये जो चीज़ है, ये फैमिली पार्क है, यहाँ पर आप लोगों ने क्यों ये मर्दों को अलाउ किया है। अगर आपको यकीन नहीं आया था तो आप कल ईद का चौथा दिन होगा, आप खुद विजिट करें, यहाँ का माहौल देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह मज़ीद अपडेट आपको देंगे। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।